हेलो दोस्तों, अगर आपको कॉमर्स पढ़ करके अगर यानी कि आप अगर आईकॉम किए हैं, आईकॉम करने के बाद अगर आप बीकॉम कर लेते हैं, तो बीकॉम कर लेने के बाद जो आप एज ए अकाउंटेंट के रूप में एज ए अकाउंटेंट के रूप में आप जो हैं मीडियम और बड़ी कंपनी में आप एज ए अकाउंटेंट के रूप में जॉब कर सकते हैं। तो अब सवाल क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि अकाउंटेंट फील्ड कैसे है ना, अकाउंटेंट फील्ड कैसे हैं, अकाउंटेंट बनने के बाद क्या अच्छी खासी सैलरी मिलती है, क्या उसमें अपना करियर जो है आगे ग्रोथ कर सकते हैं, क्या उसमें स्कोप अच्छे हैं। जी हाँ, 100% उसमें स्कोप अच्छे हैं। अगर आप आईकॉम बीकॉम अगर बीकॉम कर लेते हैं तब तो और ज़बरदस्त है। उसमें आपको क्या होगा कि आपका थ्योरेटिकल काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो थ्योरेटिकल पे ज़्यादा पकड़ होगा, आप चीज़ों को अच्छी तरह से जान पाइएगा, आपको आपको जो है मार्केट का पूर्ण रूप से नॉलेज हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप बीकॉम कंप्लीट कर लेते हैं, तो बीकॉम कर ले कंप्लीट करने के बाद आप जो है एक अच्छे अकाउंटेंट के रूप में कंपनी में जब इंटरव्यू दीजिएगा तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंटेंट बने कैसे। जी हाँ, अकाउंटेंट बने कैसे। तो अकाउंटेंट बनने के लिए जो है ना, आपको सिर्फ ये आईकॉम बीकॉम करने से नहीं होगा, आपको बीकॉम के साथ साथ बहुत ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जो बीकॉम के साथ साथ वो आपको जो है कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल भी वो करवाते हैं, लेकिन बहुत जगह नहीं होते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल चलते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है कि बीकॉम के साथ साथ जो है आप, या बीकॉम के बाद ही 1 साल का ट्रेनिंग होते हैं, या फिर आप बीकॉम के साथ कर सकते हैं, यानी तो आप आईकॉम के बाद भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ जो सॉफ्टवेयर सीखना होगा, कुछ आपको जो कंप्यूटर सीखना होगा, कंप्यूटर में जैसे हो गया आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, यानी कि एमएस ऑफिस आपको जो है बेहतर रूप से आनी चाहिए चलाने के लिए, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, उसके बाद पावर पॉइंट, ये सब आपको आनी चाहिए। और इसमें आता है टेली, टेली ERP 9। अभी टेली प्राइम आया हुआ न्यू में, तो आपको टेली टेली ERP 9 और टेली प्राइम दोनों आपको सीख लेना है। तो ये सब सीखने के बाद जो है आपको बढ़िया से प्रैक्टिकल आनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की, यानी कि लैपटॉप आपको अच्छी तरह से चलाने के लिए आनी चाहिए, और कॉमर्स पेपर अगर होनी चाहिए आपको, जो जनरल एंट्री ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए नॉर्मली। तो आप एज ए अकाउंटेंट के रूप में तब जाकर के आप जो एज ए फ्रेशर के रूप में आप बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। तो बड़ी कंपनी में जब आप जाइएगा तो कैसे जाएंगी, कैसे आप जाइएगा एज ए फ्रेशर के रूप में, तब अपना जो है रिज्यूम का प्रिपरेशन कर लें, और रिज्यूम जब आप बना लीजिएगा तो उस रिज्यूम के क्या कीजिएगा, कंपनी सब में क्या होता है कि वैकेंट यानी कि पोस्ट निकलते रहता है, उसमें उसमें जो पद निकलते रहता है उसमें आपको अप्लाई करना है, फिर आपका जो उसमें कॉलिंग आएगा, फिर वहाँ पर आपको जा करके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू हो सकता है, आप ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में रह रहे हैं, आपके आसपास के में कौन सी कंपनियां हैं, तो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, तो ये सब में क्या होता है कि आपको जब आप रिज्यूम डालिएगा तो आपको कॉलिंग आएगा, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए अगर आपका रिज्यूम में बायोडाटा में सारा बेहतर तरीके से दिया हुआ आपका क्वालिफिकेशन देखेगा सारा चीज़, तो उसके बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए वो कॉल करेंगे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, अगर आपका इंटरव्यू काफ़ी ज़बरदस्त रहा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें बस यही है कि आप अकाउंटेंट, इसमें अगर सैलरी की हम बात करें तो सैलरी इसमें देखिए सैलरी क्या है कि इसमें आपको जो है मिनिमम, तो ये मिनिमम तो 10-15 हज़ार आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम की अगर बात करें तो भाई अकाउंटेंट जो है कोई अकाउंटेंट 30 हज़ार रुपया महीना कमाता है, कोई 1 लाख पर मंथ कमाते हैं, 1 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं, है ना, तो कोई 50 हज़ार कमाता है, कोई 70 हज़ार कमाता है महीना। तो ये दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, ये नेचर ऑफ बिजनेस पे, नेचर ऑफ कंपनी पे, और उसका साइज ऑफ कंपनी पे, यानी कि आप जिस कंपनी के अकाउंटेंट बने हैं तो वो कंपनी किस लेवल पे है, उसका साइज कितने हैं, उसका टर्नओवर कितने आते हैं, ये सारा जो सैलरी जो डिपेंड करता है ना, वो आपके साइज ऑफ कंपनी पे डिपेंड करता है, और वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना अकाउंटेंट के रूप में जो वर्क करके कंपनी को दे रहे हैं, इसीलिए सबका जो सैलरी डिफरेंट रहते हैं। लेकिन इसमें जो काफ़ी अच्छे स्कोप हैं, आप एज ए अकाउंटेंट के रूप में भी वर्क कर सकते हैं और इसमें अपना लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको हम एक छोटा सा झलक दिखाए बताएं कि अकाउंटेंट में किस तरह से आपको किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करना है। तो इसी तरह से जो हम आगे वीडियो में आपको बताते जाएंगे, तो
तो इसमें आपको हम बता दें कि मेरा जो ये चैनल आप जो आप सब्सक्राइब कर लें, ओके, और लाइक भी करें ताकि आपको कॉमर्स से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।